ऑलराइट एवरीबॉडी, हाय डियर। तो आज मेरी, जैसे कि आपने देख लिया है कि वीलॉग है किस बारे में, इट्स ऑल अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरी। ये है डॉक्टर मुस्तहसन, जो कि कमाल के सर्जन हैं और एक ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको हर उस चीज़ का डिटेल में पता होता है। जब हम बात करते हैं और जब स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू फेस एंड रिलेटेड टू ऑल द क्वेरीज विच यू हैव, सो इनकी जो हब है जिसका नाम है कॉस्मेटिक प्लास्टी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट राइट, तो फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू माई इंट्रोडक्शन। सो इनका ये कॉस्मेटिक क्योर के अंदर ही कोलेबोरेशन है, और कॉस्मेटिक के साथ साथ जब मैं इनके साथ सर्जरी स्टार्ट की, सो यू कैन सी ऑलरेडी कि सारे डॉक्टर्स इनके साथ, इनके को डॉक्टर्स दो और थे इस सर्जरी के दौरान, एंड बेसिकली वी वर गोइंग फॉर फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग वॉज बिकॉज आई वॉज हैविंग द फ्यू वेरी वेरी प्रोमिनेंट स्कार्स ऑन माई फेस, और मेरी जो स्पेशली जो लेफ्ट मेरी गाल है उसमें बहुत ज़्यादा वाले बुरे वाले स्कार्स थे थ्रू माई एक्ने, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। तो इन्होंने वो फैट ग्राफ्टिंग के थ्रू, जो इन्होंने मेरे टमी से फैट लेकर इंजेक्ट किया था ऑन माई स्कार्स राइट लेफ्ट दोनों पर मेरे लेफ्ट पे कुछ ज़्यादा थे, सो दैट्स वाई दे थॉट ऑफ डूइंग इट फ्रॉम माई लेफ्ट का जो चीक है। And then they started injecting it by taking the fat basically from my tummy, and they were injecting it through a needle in my skin. It was definitely a bit painful, लेकिन since मुझे local anesthesia दिया गया था और इनका इतना technicians, इनके staff और काफ़ी सारे cooperative थे, बहुत अच्छे से इन लोगों ने मेरा ख्याल रखा, although it was a bit scary to see on the camera. बट मुझे ऐसा फील हो तो रहा था डेफिनेटली कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, बट साथ ही साथ एवरीथिंग वॉज वेरी हाइजेनिकली डन। आप देख सकते हैं किस तरह ये एक छन्नी में मेरा फैट जो है वो डालकर उसको क्लीन करके, उसको यू नो सैनिटाइज करके, दे आर पुटिंग इट इन इंजेक्शन नीडल एंड देन दे आर यू नो इंजेक्टिंग इन माई स्किन। तो ये ऑलरेडी ले रहे हैं वो सारा फैट जो उन लोगों ने मेरे अभी टमी से लिया था, एंड डॉक्टर इज़ डूइंग इट विद ऑफ कोर्स हिज टेक्नीक, जो भी उनकी टेक्नीक है, एंड देन दे वर पुटिंग इन माई ऑन माई स्किन, ताकि वो बेसिकली मेरी स्किन बहुत डेंट आउट डीप चली गई थी, तो वो चाह रहे थे कि उसको अच्छे से पहले उभार दिया जाए। तो सबमिशन के थ्रू वो उन्होंने किया, एंड दे ऑलरेडी मार्क्ड द एरिया जहाँ पर मुझे स्कार्स हुए थे, बट माई लेफ्ट गाल वॉज मोर ऑल अबाउट इट, सो दे वर डूइंग इट इन अ वेरी यू नो तरीके से, और डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि इनका टेक्नीशियन, इनका स्टाफ, इनके डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, और अगर पेन होती थी तो वो कोशिश करते थे कि वो ना करें। अब ये मेरे बोटॉक्स होने वाले हैं, तो बोटॉक्स ये मेरे क्योंकि सूजन हो गई है फेस पे, आप ऑलरेडी देख सकते हैं, लेकिन स्टिल बोटॉक्स के लिए दे वर डूइंग दो यू नो डॉट्स लगा रहे हैं और अब बोटॉक्स डाल रहे हैं जॉ लाइन के लिए। सो या दैट वॉज इट। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू डूइंग? So today you had surgery with Shaira Roy. You did submission and fat grafting and Botox for her. So the first question is that fat grafting area कहाँ से लिया जाता है और इसके क्या results आते हैं जब आपकी scars को दूर करना हो तो? Fat grafting के लिए हमें donor area चाहिए होता है, हमें fat लेनी है, वो हम आपकी tummy से ले सकते हैं, आपकी thighs से ले सकते हैं, और कोई भी एरिया जहाँ जो आप चाह रहे हो कि वहाँ फैट है और आप उसको रिमूव करवाना चाह रहे हो, तो वहाँ से भी फैट ली जा सकती है। और जो इसको इंजेक्शन करने के हैं वो डिफरेंट स्कार्स में मेथड है, हम नैनो फैट इंजेक्ट करते हैं जिसमें उसको बहुत ज्यादा पानी की तरह पतला कर लिया जाता है, या वो थोड़े अगर गढ़े ज्यादा हो तो उनको थोड़ा सॉलिड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है, और फेस के किसी भी हिस्से में इसको इंजेक्ट किया जा सकता है जहाँ भी स्कार्स हों, जहाँ भी फाइन लाइन्स हों, या कोई कंटूर डिफॉर्मिटी हो जिसमें फेस पे गढ़े पड़े हुए हों। तो आपको क्या लगता है, ये 100% मतलब चले जाते हैं या फिर रहते हैं, इनका रिजल्ट आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? ये जो स्कार्स हैं, लाइक जिस तरह एक्ने के स्कार्स हैं या जो बाकी स्कार्स हैं, वो एक सेशन में तो 100% खत्म नहीं होते, 50-60% इम्प्रूवमेंट आ जाती है, फिर हमें मल्टीपल सेशन करने पड़ते हैं और अल्टीमेटली काफी ज्यादा बेहतरी आ जाती है। तो इज इट पेनफुल प्रोसेस या फिर इसमें पेन होती है आफ्टर?
देखें, पर ऑपरेटिवली ऑपरेशन के दौरान तो हमें काफी ज्यादा हम नम कर लेते हैं, उससे पेन काफी रिलीव रहती है, लेकिन ऑब्वियसली ऑपरेशन के बाद पेन होती है जो नॉर्मल पेन किलर्स के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो बहुत ज्यादा ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं. राइट, मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपसे कि जो बोटॉक्स आपने आप करते हैं फेस के ऊपर, उससे एक डिफाइन जॉ लाइन आती है या फिर वो कम्प्लीटली तौर पे आपका जो फेस है वो श्रिंक होके एक पतला चेहरा बन जाता है? देखिए, जो जॉ लाइन डिफाइन करने में मल्टीपल चीजें रोल प्ले करती हैं, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैसेटर मसल का, हमारा जो मसल है. तो बोटॉक्स बेसिकली उस मसल के ऊपर एक्ट करता है, उस मसल का साइज छोटा कर देता है, जिससे पार्ट ऑफ जॉ लाइन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है. लेकिन इसके साथ अगर बहुत ज्यादा कंटूर्ड जॉ लाइन चाहिए हो तो कुछ और मैनूवर्स भी करने पड़ते हैं, जिनमें बकल फैट पैट एक्सीजन कर सकते हैं, नेक की लाइपोसक्शन कर सकते हैं, और जॉ के नीचे बोटॉक्स एक और मसल होता है प्लेटिज्मा, उसमें भी लगा सकते हैं. तो ये तीन चार मैनूवर्स करने से जॉ लाइन बहुत बेहतर डिफाइन हो जाती है, लेकिन मेजर चेंज जो है वो मैसेटर में इंजेक्शन लगाने से आ जाता है. आप पहले भी काफी सेलिब्रिटीज की सर्जरीज करते रहे हैं और अब आपने शायरा के साथ काम किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो भी एक शो बिजनेस की आर्टिस्ट है, तो ये कोलैबोरेशन आपको उनके साथ काम करके हाउ वाज एक्सपीरियंस टोटली? इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस. शी प्रूव्ड टू बी एन एक्सीलेंट क्लाइंट और पेशेंट एंड वी रियली एंजॉयड डूइंग सर्जरी ऑन हर एंड होपफुली द रिजल्ट्स आर आल्सो वेरी गुड. And her feedback is also very good about the surgery. So overall, it was an excellent experience. So to approach you, कौन से ऐसे handles हैं जहाँ पर आपसे राबता किया जा सकता है? आपके जो patients हैं या फिर जितने भी clients हैं, वो आपको approach करने के लिए कहाँ पर राबता करें? ये हमारा Facebook page भी है, Twitter भी है, और हमारी website भी है cosmeticoplasty.com के नाम से है. आप direct मुझे Dr. Mustahsan के नाम से भी search कर सकते हैं. और इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पे भी आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.